नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले अर्धचंद्र के निशान के विषय में। जिस प्रकार चंद्र 15 दिन बढ़ता है और फिर 15 दिन घटता है, सभी लोग जानते हैं कि चंद्र 15 दिन शुक्ल पक्ष में बढ़ते चला जाता है और कृष्ण पक्ष में घटते, ठीक उसी प्रकार से आपकी हथेली में अगर चंद्र का निर्माण होता है तो आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से। ये देखिए, सबसे पहले बनता कैसे निर्माण, ये बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है या फिर आधा अधूरा कैसा बन रहा है, तो ये बनता कहाँ है। सबसे पहले हम यहाँ देख लें, हमारी जो यहाँ बुध की क्षेत्र होती है कनिष्ठिका उंगली के नीचे, इसके नीचे हमारी हार्ट लाइन, हम जब भी इसे देखेंगे अपने हार्ट लाइन से जोड़कर देखेंगे, ये हमारी हृदय रेखा है। ये हृदय रेखा हमारी दोनों हथेली में होती है। आपको दोनों हथेली को कुछ इस प्रकार से, जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है, इस प्रकार से सटा के देखना है। ये दोनों हथेली की ये हमारी है हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये लाइफ लाइन आयु रेखा, ठीक उसी प्रकार से ये तीन रेखा प्रमुख है। ये रेखाएं हैं कैसी, ये छोटी कब बनती है, जब आपकी हृदय रेखा छोटी होती है या फिर हृदय रेखा यहाँ से इस प्रकार से मुड़ गई होती है, आपकी ये शनि की ओर मुड़ जाती है, तो ये छोटा आकार में बनता है। ये लंबा बड़ा कब बनता है, जब आपकी हृदय रेखा गुरु पे जाती है। तो सबके कुछ ना कुछ परिणाम अलग अलग होते हैं, जैसे जैसे रेखाओं की आकार बदलती है ठीक उसी प्रकार से इसके कुछ शुभ अशुभ परिणाम और अर्थ भी बदलते हैं। ये बहुत कुछ कहता है आपके स्वभाव के विषय में, आपके विचार के विषय में, अन्य चीज़ों के विषय में, हम उसकी भी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट दोनों को सटाना है। ध्यान देना है कि ये आपको लंबा बन रहा है या फिर ये शनि में चला गया है या फिर उसके पहले ही कुछ इस प्रकार से ये छोटा, इस प्रकार से भी बहुत लोगों की हथेली में बनती है, या आपके हथेली में एक लंबा है एक छोटा है तो वो चंद्र का निर्माण नहीं कर रहा है, इस बात पर भी ध्यान दें। चूँकि निर्माण सर्वोपरि है, निर्माण में अगर ऐसी वैसी निर्माण हो रही थी, अर्थ के जो है थोड़े से अर्थ बदल चले जाते हैं या फिर टूटा हुआ, बहुत लोगों में होता क्या कि अस्पष्ट नहीं है, एक हथेली में तो इतना लंबा सा है लेकिन एक हथेली में ये बिल्कुल ऐसा है, ये चंद्र का निर्माण नहीं कर रहा है अगर इस प्रकार से है। तो आइए हम बात करते हैं जब ये लंबा बनता है। अगर आपके दोनों हथेली को आप सटा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपकी हथेली में काफ़ी लंबा और बड़ा बन रहा है, तो इसके क्या होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक बात के पक्के होते हैं। अगर ये लंबा और स्पष्ट बनता हो इस प्रकार से और दोनों को आपने सटा लिया तो ऐसे जातक बात के बहुत पक्के होते हैं। फालतू का बात नहीं करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। दिखावा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए उन्होंने कुछ कर रखा है, नहीं, दिखावा इनके पास रहेगा भी तो ये दिखावा नहीं करेंगे। ये सात्विक जीवन को पसंद करते हैं, मतलब बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के शांति से रहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। और साथ में ये जितनी लंबी ये दिखती है ये रेखा, उतना लंबा स्ट्रगल वाला इनका जीवन भी होता है। जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं होता है, खास करके इनको 32-33 वर्ष तक जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। ये अक्सर देखा गया है कि अगर ये आपकी हथेली में इस प्रकार से लंबी हृदय रेखा है और दोनों को सटाने पे ऐसा चंद्र निर्माण होता हो तो जीवन में लंबा स्ट्रगल, लेकिन उसके बाद आपकी बहुत अच्छी सफलता भी होती है। तो कुल मिला के ये लंबी वाली जो है अच्छी ही मानी जाती है, चूँकि 32-33 के बाद ये सफल कर देता है जीवन को, उसके पहले जो है सफलता में थोड़ी। लेकिन इनके होती क्या है कि जिस प्रकार चंद्र बढ़ता घटता है ठीक उसी प्रकार इनके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हमेशा चलते रहता है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत गड़बड़, इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिलती, खास करके स्वभाव को लेकर कि क्रुद्ध भी तुरंत हो जाते हैं और शांत भी तुरंत हो जाते हैं अगर कोई इनको सही तरीके से बात करता है। अब दूसरी स्थिति की बात करें कि अगर ये टूटा फूटा बन रहा हो, मान लीजिए हृदय रेखा बन रहा है, ये आपका कहीं से टूटा हुआ है, ये अस्पष्ट नहीं है, टूटा फूटा है, या एक हाथ में तो क्लियर है दूसरे हाथ में ये क्लियर नहीं है। ऐसा भी होता है कि आपकी एक हथेली में ये यहाँ तक है और दूसरे हथेली में यहाँ तक है या फिर टूटा हुआ, इस प्रकार की बने जो अस्पष्ट चंद्र नहीं कहलाता है। तो ऐसे लोगों के विषय में कहा गया कि ऐसे लोग परंपरावादी अधिक होते हैं, मतलब चेंज पसंद नहीं कर रहे हैं, जैसा चल रहा है जीवन चलने दो, किसी प्रकार की परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करते हैं, मतलब कमा रहे हैं खा रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दो, इस प्रकार की प्रवृत्ति की पाई जाती है। सब ठीक है, विचार इनके बदलते रहते हैं लेकिन ये करते कुछ नहीं है, ऐसे जीवन चलता रहता है। अगर छोटा चांद बनता हो, अब ध्यान देने की बात है कि चांद अगर गुरु तक यहाँ नहीं पहुँचता है और ये यहाँ तक ही आपकी इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से कुछ जातक के हथेली में चांद का आकार छोटा भी बनता है, ये देख लीजिए इस प्रकार से। हालाँकि ये देखने में चंद्र का आकार सबसे अच्छा परफेक्ट यही बनता है, परफेक्ट मैंने ऐसा लग रहा है कि अर्धचंद्र का आकार हो तो ये चांद छोटा बनता है। ऐसे जातक जो जब छोटा चांद की बात कर रहे हैं कि आपके जो ये शनि में प्रवेश कर जाए, ये शनि की उंगली है, ये छोटा चांद बनता है, तो ऐसे जातक अड़ियल स्वभाव के होते हैं,
अपने मतलब जिस बात को इन्होंने बोल दिया उस बात पर कायम रहने वाले, इस प्रकार की बातें देखी जाती है। अड़ियल स्वभाव, विचार से कट्टर, बातों पर अड़ने वाले, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। और इनके विषय में कहा जाता है कि अगर ये पूर्ण रूपेण इस प्रकार से अर्धचंद्र अच्छी तरीके से बनता हो तो इनको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा बन मिलता है। अगर पुरुष है तो स्त्री पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी है तो पुरुष अच्छे मिलेंगे, ऐसा ऐसा देखा भी गया है प्रैक्टिकली कि मिलता है। ये थे तीन प्रकार की चंद्र जो है हमारी हथेली में जो बनता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।